जंतर मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को और कड़ा कर दिया है। हर जगह चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सिंघू बॉर्डर पर हर व्यक्ति और हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। राजधानी के सभी बॉर्डरों पर हर व्यक्ति और हर वाहन की चेकिंग की जा रही है, जिससे एक लंबे जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों के इकट्ठा होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात की समस्या और अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। राजधानी दिल्ली में ज्यादातर सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने हर बॉर्डर पर अतिरिक्त बैरिकेड भी लगाए हैं। वे किसानों से राजधानी के जंतर मंतर पर इकट्ठा न होने का आग्रह करते हैं। तो वहीं उधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के मद्देनजर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस कारण टॉलस्टॉय मार्ग, संसद मार्ग, जनपद, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल, अशोका रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और पंडित पंत मार्ग पर ट्रैफिक जाम होने की आशंका है। किसानों का यह कहना है कि वे पंचायत के समापन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक का कहना है कि यदि सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालने का प्रयास करेगी तो उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।